First, we should note genetically modified crops here. So why we need a GM crop? ज्यादा हो गए 200 वर्ड क्रॉस कर जाए. नाउ सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस यू कैन लिंक इट. मैं लिंक ही बता देता हूँ इवन इफ दी आस्किंग क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया कि क्लाइमेट चेंज राइट. इन द करंट सिनेरियो ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया नीड टू अडॉप्ट लोकल टेक्नोलॉजी रेदर देन फोकसिंग ऑन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है क्लियर. तो यहाँ पर यू कैन एड अ जीएम क्रॉप्स है क्योंकि बीटी ब्रिंजल इज इंडियन. ठीक है हम तो नहीं इसको कर रहे बट चाइना फार्मर यूजिंग बीटी ब्रिंजल इंडिया का मतलब इंडिया ने खुद उसको डिज़ाइन किया बट स्टिल इंडिया इज नॉट यूजिंग राइट. बट दिस बांग्लादेश इज यूजिंग. ठीक है मैंने चाइना बोला था ठीक है बांग्लादेश इज क्योंकि इंडिया का जब भी इशू होता है चाइना ही देखता है. ठीक है ओके सी अब इशू क्या हुआ. देर इज अ इशू बिटवीन पहले आप समझ लेना देन वी विल राइट. फूड क्रॉप्स वर्सेस नॉन फूड ये इशू चल रहा है. नाउ इंडिया गेव परमिशन ओनली टू बीटी कॉटन. ठीक है द रीजन वाज इज दिस इज अ नॉन फूड क्रॉप. ये आर्गुमेंट था वाइल गिविंग अ परमिशन एंड डिनाइंग टू दिस बीटी ब्रिंजल राइट इवन द जीएम मस्टर्ड. ठीक है तो उन्होंने बोला दीज आर फूड क्रॉप्स. सिमिलरली लाइक जीन एडिटिंग के हमने देखा ना दैट वी डोंट नो व्हाट आर द ऑफ टारगेट इफेक्ट ऑफ दैट है ना. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई. अब आर्गुमेंट ये चल रहा है दैट यू आर सेइंग बीटी कॉटन इज अ नॉन फूड क्रॉप बट इन सम स्टेट्स कॉटन सीड ऑयल इज यूज फॉर कंजम्पशन है ना. तो इन दैट सेंस यू आर कंज्यूमिंग बीटी कॉटन एक आर्गुमेंट. द सेकेंड वन इज दिस कनोला ऑयल वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक कैनेडा विच इज अ जीएम क्रॉप. तो वो भी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. वाई नॉट आवर ओन क्रॉप है ना वो कंजप्शन के लिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. ठीक है थर्ड आर्गुमेंट इज दैट द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन अ वर्ल्ड दे आर यूजिंग दीज लाइक सोयाबीन. ठीक है मोस्ट सबसे ज़्यादा सोयाबीन यूज होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ठीक है तो वो डेवलप कंट्री सारा यूज कर रहे हैं एंड वी आर नॉट यूजिंग. फोर्थ आर्गुमेंट इज बीटी ब्रिंजल इज डिनाइड इन इंडिया बट यू आर गिविंग परमिशन टू बांग्लादेश एंड दे आर यूजिंग एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग ऑफ अ फार्मर पर हेक्टेयर इन दिस बांग्लादेश एंड इंडिया. इंडिया में अराउंड 25,000 नॉन बीटी ब्रिंजल से फार्मर को इनकम होती है पर हेक्टेयर और उसमें बांग्लादेश में इट्स 1,25,000. सो देयर इज अ ह्यूज गैप. तो अगर आपको क्वेश्चन ये भी आता है दैट डबलिंग फार्मर्स इनकम उसके ऊपर आप ये इशू आई विल डिस्कस द केस स्टडी ऑफ बांग्लादेश तो वहाँ पर ये इशू आप डिस्कस कर सकते हो. ठीक है क्लियर. तो ये इशू है. नाउ द इशू ऑफ बीटी ब्रिंजल क्या है. सी इसको रद्द कर दूँ. इट इज अराउंड पहले देख लेते हैं बीटी ब्रिंजल मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती कैसे. आपने सुना होगा कराई बीटी ब्रिंजल में कौन सा जीन है कराई वन एसी. ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है
BT is bacillus. स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है, इसके बाकी ठीक है मेरे हिसाब से चल जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ बैक्टीरिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ दैट हाउ वी फॉर्म अ क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगर आपको प्रोसेस आती है एग्जाम दैट व्हाट आर मॉडिफाइड क्रॉप्स, अगर पूछा भी नहीं है उसने, टाइम है, क्वेश्चन ही नहीं आते हैं ना, देन यू कैन राइट, ठीक है। नहीं बहुत होता है उसमें, 8-10 तो आते हैं, ठीक है। Now this is the biocontrol bacteria. ये bacteria है which used as a biocontrol. इसको इसमें crops में use करते हैं naturally to control various pests and other things. ठीक है। Now this Bacillus thuringiensis, for example this is the bacteria. ये इसका DNA है, ठीक है। उसके पहले ये देखो हाउ इट कंट्रोल अ पेस्ट, इट रिलीज अ टॉक्सिन, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, विच हार्मफुल फॉर ठीक है दैट पर्टिकुलर पेस्ट और इंसेक्ट। बहुत से रिलीज होता है, वी आर सेम यूजिंग बीटी 1AC इसमें यूज कर रहे हैं, BC और एक और दैट इज इन कॉटन, ठीक है। अब देखो नाउ इट रिलीज अ टॉक्सिन, ठीक है। नाउ दिस इज द DNA ऑफ दिस बीटी, फॉर एग्जांपल दिस जीन व्हिच इज कॉल्ड अ क्राई ग्रुप है एक टोटल, ये डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन रिलीज करता है। Cry1AC फॉर शूट बोरर हम इसको यूज कर रहे हैं बीटी ब्रिंजल, ठीक है, इसको फर्दर टाइप है क्राई। नाउ वी विल कट दिस क्राई ग्रुप ऑफ जीन फ्रॉम हियर, अब क्या करेंगे, वी विल अटैच इट टू अ प्लाज्मिड। सपोज करो ये एक और बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम इनिफेसियंस, ठीक है। नाउ दिस ग्रुप ऑफ क्राई वी विल अटैच इट हियर, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने अटैच कर दिया, नाउ वी विल इंसर्ट इट इनटू द व्हीकल जो बैक्टीरिया होगा, ये तो DNA था ना उसका। Now we will insert this into the vehicle. Now in vehicle it will form a copies. ठीक है, ये same copies बहुत सारी बन जाएंगे। Now with the copies क्या होगा? Now we will transform it into a plant. ठीक है, यहाँ पर कौन से ब्रिंजल, ठीक है, हमने इसको ब्रिंजल में ट्रांसफर करना है। There are two method. One is through a gun. ठीक है, वो ब्लॉक नहीं दूसरी, ठीक है, दैट इज वो शार्प शूटिंग टाइप होती है, वो सीधी सेल में जाती है। एक तो है इस पोर्शन को हम सीधा सेल में प्लांट भी करते हैं, द सेकेंड इज दैट वी कैन ट्रांसफर दिस पोर्शन थ्रू अ बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर, एंटर हो गया। नाउ द प्लांट पार्ट विच एबल टू राइट अटैक्ट दोज पर्टिकुलर जीन, अगर कोई प्लांट पार्ट में एक पोर्शन है सेल है जिसने इसको अडेप्ट कर दिया नए जीन को क्राई ग्रुप के, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड लैब में हम उसकी मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, अल्टीमेटली वो एक प्लांटलेट बन जाएगा और जो सीड बनेंगे दे विल बी अ जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्लियर है, चलो लिख लो। कौन सी है तो में आपने मैं यार इंग्लिश स्पीकिंग की थी ना, ठीक है, ओके। चल इससे पहले क्वेश्चन लिख लो, बीटी ब्रिंजल बाय रेजिस्टिंग बाय BY बाय रेजिस्टिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक और टेक्नोलॉजी बाय रेजिस्टिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग इंडिया रिस्क, कैसे लगेगा इंडिया रिस्क इट्स फूड सिक्योरिटी। अब यहां पर क्वेश्चन इज दैट
यू हैव टू डिसाइड इफ यू गो विद अब इस कांसेप्ट कैसे ठीक होगा कोई थोड़ा बहुत आइडिया मतलब क्या क्या इसमें आर्गुमेंट हम करेंगे ऑन वन साइड हम ये नहीं कहेंगे कि जीएम क्रॉप्स को अलाउ करो सी ऑन वन साइड यू हैव टू मेंशन इज इंपॉर्टेंस ऑफ जीएम क्रॉप एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंशन दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन जैसे जीपीएसी उसमें फार्मर की वॉइस ही नहीं सुनते जो क्लियरेंस देती है ठीक है सेकेंड इज वो रेगुलेशन आएगी देन वी हैव टू सी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीएम क्रॉप मैं मतलब आइडिया दे रहा हूँ आंसर कैसे लिखना है ठीक है वो देखेंगे देन यू हैव टू मेंशन दैट इंडिया कैन मेक इट्स ओन पॉलिसी यहाँ पर हमें किस पर फोकस करना है ऑर्गेनिक क्रॉप ठीक है तो ये हमारा मतलब आंसर बन जाएगा मतलब स्ट्रेट वे यू कैन नॉट से दैट इंडिया शुड अडॉप्ट अ जीएम क्रॉप यस आर्गुमेंट आर देयर आपने आर्गू भी करना है एग्जाम में पहले हाँ नहीं चाहिए चाहिए बाद में नहीं हमें कुछ और ही चाहिए कंक्लूजन दैट वी फॉरवर्ड दैट वी शुड फोकस ऑन ऑर्गेनिक क्रॉप्स साइमल्टेनियसली वी शुड हैव अ ट्रायल ऑन दिस जीएम क्रॉप्स कि यहाँ पर इसका इम्पैक्ट किस पर क्या हो रहा है दैट वी हैव टू स्टडी ओनली वेन वी हैव अ ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देन वी कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग क्लियर है मतलब ये टोन होनी चाहिए आपके आंसर की रेदर देन फोकसिंग ऑन नॉन कर ठीक है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन लिखो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इट इज आल्टरिंग जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इज द डेफिनेशन डेफिनेशन इट इज आल्टरिंग जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बी इट प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है बी इट प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल प्रोसेस लिखो प्रोसेस ऑफ जेनेटिकली बिकॉज दिस डे यूपीएससी इज आस्किंग दोज क्वेश्चन विच दे थिंक दैट स्टूडेंट्स विल नॉट कवर UPSC वही क्वेश्चन पूछ रही है सो इन दैट एरिया वी हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट हम कुछ छोड़ नहीं सकते एक और चीज नेवर प्रिपेयर बाय सीइंग द लास्ट ईयर पेपर अगर आप तीन चार साल देखोगे हर साल पेपर इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ठीक है तो आप अपनी जनरल अप्रोच रखो जो भी आता है उसको समझो एंड एप्लीकेशन दैट्स ऑल ठीक है अच्छा लिखो प्रोसेस नंबर वन ऑर्गेनिज्म कैरिंग इसको नीचे एरो डाल के लिख लेना ठीक है एज ए फ्लो जैसे नंबर वन ऑर्गेनिज्म कैरिंग डिजायर्ड ट्रेट आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक जीन of desired traits ठीक है अब यहां पर ये डायग्राम बना लेना ठीक है दिस इज द डीएनए यहां पर क्राई ग्रुप मत लिखो जस्ट लिखो डिजायर्ड जीन ठीक है डिजायर्ड जीन We will cut this. Is it? नहीं ठीक है क्यों we will cut this है ना यहाँ पर this is the number one process. Number two is gene cloning. क्लोनिंग यहाँ पर कॉपी बनेगी दैट इज क्लोनिंग जीन क्लोनिंग इसमें लिखो
attached to carrier. कैरियर फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड, दिस इज अ प्लाज्मिड, ये जो एरिया है ना डीएनए का और बैक्टीरिया का जिस पे हमने ये क्राई ग्रुप डिजायर्ड जीन अटैच किया है, दिस इज कॉल्ड अ प्लाज्मिड, इट इज एक्चुअली कैरियर. ठीक है, क्लियर? यस, इट कैन even agro bacterium defecation used to mostly bacteria, even virus can be, virus can be used, even fungi can be. Next, third one is transformation. Transformation, copies बन गई यहाँ पर, लिख लिया ना step आपने second में, formation of copies or cloning है ना. Now when we have a lot of clones, now we have to inject in a plant. It can be either through a gun or can be either through a bacteria. ठीक है, so transformation जब आप लिखोगे ना उसके नीचे ऐसे दो डालो, it divided into two things. ठीक है, यहाँ पर लिखो attaching gene package to attaching gene package to tiny gold or tungsten. ठीक है, and bombarded at very high speed into plant. Tiny gold or tungsten and bombarded at high speed into plant water. ठीक है, एक तो हमने वो मैनुअली इसको उसके अंदर सेंड कर दिया. द सेकंड थिंग इज यहाँ पर जो सेकंड हमने एरो नीचे को लगाया, दैट इज हियर इज एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. CIEL is soil bacteria. Now this bacteria will हो गया, this bacteria will infect our plant. तो अगर यहाँ से infection से चला जाएगा, otherwise we can also send a manure. उसके बाद last point लिखो, fourth one, plant tissue that successfully taken up gene. Plant tissue that successfully taken up gene grow into full size of GM plants. ठीक है, GM plant तो वो जो तो उसको adapt कर लेगा, that will be grown into a full plant. बाद में वो distribute होता रहेगा किसानों में. ठीक है, clear? इसमें आप data लिख लो, एक GM crop के ऊपर कोई भी question आया you can put there. One is India is fourth largest GM crop area. India का कौन सा largest है? Fourth largest crop area. GM crop area. Number one किसका है? It is USA. Number two Brazil. Number three Argentina. China नहीं है. Number fourth is India. ठीक है? मैक्सिमम ब्राज़ील. तो हाँ जी बोलो, दोबारा रिपीट करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? यस, ओके. नाउ मैक्सिमम क्रॉप कौन सी ग्रो हो रही है? दैट इज सोयाबीन. 50% ऑफ ऑल जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये आपको फ्री में भी क्वेश्चन आ सकता है. सेकंड नंबर इज मेज, नंबर वन सोयाबीन 50%, सेकंड वन इज मेज
30%. Third one is cotton, 14%. उसके बाद कैनोला 5%, उसके बाद अदर सारे, ठीक है ठीक है. ये तो 5%, कुछ रहता तो बता दो मैं बोलता. नाउ द इशू ऑफ जीएम ब्रिंजल. अब जो इशू हुआ है, सी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इंडिया अलाउड ओनली नॉन फूड क्रॉप. नाउ बीटी ब्रिंजल इज फूड क्रॉप, ठीक है. इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया बट अलाउड इन बांग्लादेश, है ना. नाउ ये प्रोसेस सेम रहेगी अनलेस और अनटिल इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड. वो जो है दूसरा मस्टर्ड, मस्टर्ड केस में ये प्रोसेस नहीं रहेगी बिकॉज रेजिस्टेंस फॉर ये है बीटी. सेम फॉर बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन. क्या डिस्कस करना था? हाँ ओके. नाउ महाराष्ट्र की कंपनी है माहीको, ठीक है. नो दे डिजाइन दिस बीटी ब्रिंजल, ठीक है. देन परमिशन वाज गिवन बाय जीपीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है. यही परमिशन देती है. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो हैं सारी, वेदर इट्स अ बीटी ब्रिंजल, वेदर इट्स अ कॉटन और मस्टर्ड, दीज आर क्लियर बाय जीपीएसी. दे चुके हैं ये परमिशन, बट इसके बाद जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर के पास जाती है वहाँ पर आके काम खराब हो गए. दोस्त पीपल अपोज, लोगों ने कहा नहीं चलेगा, ठीक है. एनजीओ ही होते हैं, हमको तो पता ही नहीं कौन सा जीएम कौन सा, है ना. क्योंकि इंडिया में तो रूल्स है ही, अब तो ये नहीं पता ये भी ना जीएम हो, ठीक है ओके. नाउ जीईएसी ने परमिशन दे दी, बट प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, प्रोटेस्ट हो गया. देन दे आस्क माहीको, ये महाराष्ट्र की जो कंपनी है, टू सबमिट ऑल सीड, ठीक है. इन्होंने बोला दैट यू हैव टू सबमिट ऑल सीड क्योंकि प्रोटेस्ट हो गया, यू कैन नॉट गो विद दी सीड, क्योंकि सबमिट तो करने पड़ेंगे अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. बट नॉट अ सिंगल सीड वाज डिपॉजिट उन्होंने करवाया. देन नाउ अभी क्या हुआ है इन हरियाणा, दैट फार्मर आर ग्रोइंग बीटी ब्रिंजल. अब वो कहाँ से आया? इलीगल है, बिकॉज दिस इज अ इलीगल प्रोसेस अगर आपको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है. नाउ दे आर थिंकिंग कि आइदर इट्स कम फ्रॉम बांग्लादेश और इट इज आवर लोकल प्रोड्यूस, ठीक है. माहीको, नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट माहीको भी कहाँ गया सीड, ठीक है. बांग्लादेश में यूज हो रहा है वो माहीको के, इंडिया का फाउंड है इंडिया माहीको नहीं. यस यस ठीक है क्लियर. यहाँ से अब प्रोटेस्ट चल रहा है दैट सिमिलरली इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में क्या इशू है? देखो महाराष्ट्र जो है वहाँ पर इशू चल रहा है, एक तो बीटी ब्रिंजल सेम, एक कॉटन. अब कॉटन तो ऑलरेडी अलाउड है, देन व्हाई दे आर डिमांडिंग दैट वी हैव टू ग्रो? इट इज एचटीबीटी, एचटीबीटी हर्बिसाइड, ठीक है, टॉलरेंट. नाउ एचटीबीटी तो अलाउड ही है, दिस इज नॉट, दिस इज अ पर्टिकुलर क्रॉप व्हिच इज नॉट इवन क्लियर्ड बाय जीईएसी. अगर आपको प्रीलिम में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दैट जीई फॉर एग्जांपल इन इंडिया बीटी ब्रिंजल इज नॉट अलाउड, वन स्टेटमेंट, इन इंडिया बीटी ब्रिंजल इज क्लियर्ड बाय जीईएसी, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है. ऐसा मैं समझना कि अगर उसने क्लियरेंस दे दी तो हमारे हो नहीं रहा. क्लियरेंस के बाद जरूर जब वहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में जाएगा वहाँ पर प्रॉब्लम है, बट एचटीबीटी इज नॉट क्लियर्ड बाय जीईएसी, बाकी सभी क्लियर है. तीनों हाँ बीटी कॉटन तो क्लियर ही है ना, बीटी कॉटन तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से भी क्लियर है, बट बीटी ब्रिंजल एंड मस्टर्ड इज क्लियर्ड बाय जीईएसी बट नॉट बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है. वहाँ पर फिर कन्फ्यूज मत होना. सो दीज टू आर इशूज.
तो अब बताओ फिर क्या करना चाहिए इनका, whether we should allow them or not. इसमें इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए यू नीड अ टू थिंग. देयर इज अ वन रिपोर्ट विच टेस्टेड बीटी ब्रेजल ऑन एनिमल, कि एनिमल पर क्या इंपैक्ट होता है. लिखवा दूंगा मैं बाकी, ठीक है. सी दे टेस्टेड अ बीटी ब्रेजल ऑन अ काउ, काउ के ऊपर टेस्ट किया, गौ माता, ठीक है. उसको 15-20 दिन के बाद पता चला दैट देयर इज अ इंक्रीज इन ब्लड, सॉरी ब्लड क्या, मिल्क आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 10-15% मिल्क की प्रोडक्शन काउ में इंक्रीज होगी. नाउ इज इट पॉजिटिव स्टेप और नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है. द रीजन इज दैट इफ बीटी ब्रिंजल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज अ हार्मोन. नाउ इफ क्रॉप इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इट मीन्स दैट दैट क्रॉप मस्ट हैव अ इंपैक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म. तो अगर हम खाएंगे तो हम हमारे ऊपर पता नहीं क्या इंपैक्ट होगा, है ना. इट मीन्स दैट दैट बीटी ब्रिंजल इज इंपैक्टिंग द मेटाबॉलिज्म. सो दिस इज द नेगेटिव, ठीक है, समझे. अनदर इशू इज बांग्लादेश. नाउ इन बांग्लादेश द फार्मर आर ग्रोइंग द बीटी ब्रिंजल. There are two set of reports again. One is it is a successful in Bangladesh. वहाँ पे अच्छा चल रहा है बीटी ब्रिंजल का. Now the another report is also saying that कि वहाँ पर किसान अब छोड़ रहे हैं. और approximately 17% जो farmer है, they are growing BT ब्रिंजल in Bangladesh. But their number is decreasing nowadays. ठीक है. But one point is more positive. They say that in Bangladesh one is BT cotton is there, BT brinjal is there, another one non BT brinjal is there. So farmer at least have a option whether they want to grow a BT brinjal or non BT. But in India they do not have any option. Clear hai controversy? Argument kaise karna? Chalo fir. इंडिया में क्राइम है तो अमेरिका में, ठीक है ना. हमारे यहाँ पे कोई बार ज्यादा थप्पड़ मार देते हैं, ऐसे ही होता है. पेरेंट्स उठते हैं, बच्चे पीटते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है. तो वो अलाउड अमेरिका में नहीं है ना. सो इट इज डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ अ नेशन. जो जब जिस बांग्लादेश ने अलाउ किया था ना, देन दे वांट दैट दे नो दैट इन इंडिया इट इज नॉट अलाउड. इवन स्टेट उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, सी एवरी नेशन हैव अ डिफरेंट पॉलिसी. तो वो अगर हमारा बीटी ब्रिंजल है वो यूज कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम, ठीक है. वो अपने देश के अगर उनमें क्लियरेंस मिल रही है उनकी बॉडीज को, तो दे कैन यूज, है ना. सर, आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स लीगल इन डेवलप्ड नेशंस? कैसे? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स आर द लीगल इन डेवलप्ड नेशंस? हाँ, डेवलप्ड नेशन में हो रही है. सोयाबीन यूएसए में चल रहा है. सर, यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? हाँ जी, यहाँ क्यों नहीं अलाउ कर रहे बीटी ब्रिंजल? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज आर्गुमेंट. अब उन्होंने जो फार्मर है वही तो आर्गुमेंट कर रहे हैं दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पर तो सारे यूज कर रहे हैं. कनोला ऑयल भी हम वहाँ से ही ले रहे हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है. देन वाई इन इंडिया दे नॉट अलाउड? एक तो ये है कि इंडिया में मिली जनता बड़ी है, ठीक है. एनजीओस दे अपोज, गवर्नमेंट ने एनजीओ काफ़ी बैन भी किए ऑन द एडसेंस, क्योंकि दे आर ऑब्स्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट. ये आप यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है दैट एनजीओस आर ऑब्स्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट इन इंडिया. कुंतकुलम न्यूक्लियर प्लांट को कितने सालों रोक के रखा है. देन वेरियस बहुत सारे इशू हैं वेर एनजीओ प्रोटेस्ट. अब एनजीओ में देखो फंडिंग कहाँ से आती है, फ्रॉम द फॉरेन नेशन. तो वहाँ पर एफसीआरए जो नया उन्होंने होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट यू आर गेटिंग अ फंड फ्रॉम दिस सोर्स. क्योंकि ये एक फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंडिया में एनजीओ है ए, ठीक है. बट चाइना इज फंडिंग दैट एनजीओ. तो चाइना वो एनजीओ को चलाएगा कैसे, आपने रोकना है पर्टिकुलर नेशन डेवलपमेंट. आजकल तो पढ़े वो
बॉर्डर वगैरह लड़ाई वाली काम नहीं चलता, बट दिस इज मोर इन अ नेशंस एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम जब हमारे आजकल एनजीओ यूज करते हैं टू ऑब्स्ट्रक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. So what is the justification of ministry for not approving these crops? Protest. Protest? Yes. The farmer bodies are protesting. जो पढ़े लिखे होते हैं ठीक है अब उन्हें खेती तो करनी नहीं है, वो फार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, बट वो ब्लॉक करते हैं दैट देयर इम्पैक्ट इज मच बिगर ठीक है. वो कहते हैं ठीक है दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन बट ऑन अ ह्यूमन बॉडी देयर इम्पैक्ट एट द सेम टाइम देयर इज अ लूप होल इन GEAC ऑल्सो. जो हमारी कमेटी है ना वहाँ पर एक तो एक्सपर्ट वो प्रॉपर ट्रायल ही नहीं करते, वो रिपोर्ट पर जाते हैं देन क्लियर है नहीं क्लियर बस ऐसे चलता है. एक आर्टिकल में ये आर्गुमेंट था कि गवर्नमेंट ज़्यादा अलाउ इसलिए नहीं कर रही इन क्रॉप्स को कि अगर प्रोडक्शन सब्सटैंशियली हाई हो जाएगी तो प्राइस बहुत कम हो जाएंगे और फार्मर्स को फिर पैसा भी उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स इनकम बढ़ाएं, तो उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो फार्मर्स को पैसा भी उतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्राइस बहुत कम हो जाएगा. इज दैट जस्टिफाइड? यू कैन जस्टिफाई बट फिर आप एग्जाम्पल दोगे वहाँ पर कॉटन की, बीटी कॉटन स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ आपको ठप हो गया. ये हम ऐड कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी इंप्रूव कर ले ताकि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वहाँ से भी कुछ पैसा आ जाए अगर. यू कैन ऐड बट एट अ लास्ट रिसोर्ट, क्योंकि अभी तो हो रहा है कि वेदर वी शुड ग्रो और नॉट और उसका इम्पैक्ट क्या, हम फाइनल स्टेप क्योंकि प्रोडक्शन पे लेकर जाएंगे ना दैट दे विल गेट अ लेस प्राइस, वो फिर आर्गुमेंट तब लिखना अगर वो आपके पास पॉइंट नहीं, अदरवाइज मोनोपोली का है. बीटी कॉटन में यही है दे आर टर्मिनेटिंग सी डिपेंडेंट हो जाएंगे ना. यस बिल्कुल, बट सी बीटी ब्रिंजल इज इंडियन, बीटी कॉटन इज मोनसेंटो फ्रॉम अमेरिका है ना, उसने मारिको के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था. दे बीटी कॉटन्स आर टर्मिनेटर सीड मींस इफ वन टाइम यूज, आपने एक टाइम यूज कर लिए बस गए, देन यू हैव टू बाय अगेन ठीक है. सी डिवेलप और डिवेलपिंग का मैं एक कंसेप्ट आप क्लियर करवा देता हूँ फिर आप हर क्लास में पूछेंगे. देखो सी डिवेल्प ये आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं ना पढ़ते हो यू कैन यूज इट एनी वे. मैंने करवाया भी और पहले लेकिन वो करवाया हूँ. वेन द स्टेज वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन डेवलप कंट्रीज है ना, तो डेवलपिंग कंट्री में कौन सी स्टेज थी, एग्रीकल्चर ठीक है, विच लीड टू एक्सप्लॉयटेशन. एक यूपीएससी में ऐसे भी आ चुका है इस पर, इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. वी आर सेइंग दैट डेवलप कंट्रीज आर एक्सप्लॉयटिंग डेवलपिंग और उनका भी कसूर नहीं है, वो स्ट्रक्चर ही ऐसी है. अब देखो यहाँ पर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है, अब हमारी किस्मत ही खराब है वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो एक्सप्लॉयट तो हो गई ना ठीक है. व्हेन दे रीच एट सर्विस सेक्टर, हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच लिया राइट, यहाँ पर इन्होंने क्या किया आउटसोर्सिंग, हमारे इंजीनियरों की जॉब मिल गई राइट, 10-10, 15-15 हज़ार में स्टार्टिंग दे रहे थे ना यहाँ पर, कितने बीपीओ कितने खुले हमने देखी ड्यूरिंग 2004-2010 के बीच में. अगेन हमने मिस कर दिया, वी मिस द सेकेंडरी स्टेज कैसे है? पढ़ा होगा आपने दैट इंडिया ने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी सेकेंडरी स्टेज ठीक है. अब यहाँ पर नेशन की प्रोसेस क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो उसके बाद एजिंग आ जाती है ना. दे यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो डिफरेंट स्टेजेस, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है दैट यंगेस्ट पॉपुलेशन इज मोर इन इंडिया एट दिस टाइम, नाउ देयर इज एजिंग है ना मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन
उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला इसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, दैट इज ऑटोमेशन। कि रोबोट पिज्जा देगा, रोबोट सब कुछ काम करेगा, है ना। नाउ इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 दे आर डेवलपिंग कंट्री टू इंक्रीज देयर स्किल, स्किल को इंक्रीज करो सो दैट यू आर एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो जो ऑटोमेशन हमारे तो अभी कहाँ स्किल है ही नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सफर कौन करेगा, हमारा चल रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड में ऑटोमेशन पर यू कैन, इट कैन बी ए पॉजिटिव फॉर इंडिया, बट ओनली इन वन सिनेरियो, इफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट इज मच मच हायर। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम टैप करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। दे आर सेइंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन रोबोट डायरेक्ट। ठीक है, वो अभी ट्रैक्टर का इंजन बना रहा है, उससे सीधा रोबोट बनाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई, देर विल बी अ लैग बिटवीन द स्किल ऑफ इंडियन पीपल एंड रिक्वायर्ड स्किल। अल्टीमेटली यहाँ पर फिर एक्सप्लॉयटेशन की स्किल होगी हमारी, हमें रोबोट की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे ही फ्री मतलब है एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है ना। अब वहाँ पर भी आप रोबोट उठाओगे तो फिर करेंगे आप, यहाँ पर भी रोबोट खड़ा कर दे, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज अ एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज अ नेचुरल सिनेरियो। नाउ न्यूक्लियर, व्हाई द डेवलप्ड कंट्रीज आर सपोर्टिंग, आप एक एक पॉइंट ये लिख लेना ताकि आपके पास काम आता रहेगा, यू कैन एड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, व्हाई द डेवलप्ड नेशंस सपोर्ट इंडिया इन एनर्जी। इंडिया के पास मोनाजाइट सैंड के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, इसलिए वो हमको सपोर्ट कर। देखो मेजर इशू इज दैट इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने INDC का जो टारगेट दिया है 40% फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, ये पढ़ा है ना अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, नाउ इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, दैट्स व्हाई द डेवलप्ड कंट्रीज आर सपोर्टिंग इंडिया फॉर NSC। ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी ने उसको जब पीड़ा ली तो हो गया। ठीक है, हम कहते हैं ना फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती इन INDC, देयर इज नथिंग लाइक दैट, है ना। सो देयर इज अ हिडन एजेंडा, बिकॉज दे नो दैट इफ इंडिया बिकम अ पार्टनर ऑफ NSC, मेंबर ऑफ NSC, तो क्या होगा, दे विल गेट इजिली एक्सेस हो जाएगा फ्यूल का, न्यूक्लियर फ्यूल का टू इंडिया। एंड दैट थ्रू दैट ऑल द वेवर मिला हुआ हमें, थ्रू दैट द वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज कैन एक्सपोर्ट न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया। तो ये डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन की पॉलिसी में ये फर्क है। सेकेंड इज एक और पॉइंट है दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिजेस में यूज होती थी, फर्स्ट डेवलप्ड कंट्रीज यूज, ठीक है, उन्होंने टेक्नोलॉजी जनरेट की, देन दे आस्क द डेवलपिंग कंट्री कि ये यूज़ करो, क्या कर रहे हो। ठीक है, देन डेवलपिंग कंट्री ने यूज़ की, अब डेवलपिंग कंट्री बिकम अ कैपेबल कि हम खुद की प्रोडक्शन करेंगे। इतने टाइम में उन्होंने क्या बोला, दिस इज अ ओजोन डिप्लीटिंग एंड पुट इट इनटू अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लीगली बाइंडिंग, उसका बैन हो गया। नाउ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उन्होंने नहीं निकाली, ये यूज़ करो, इंडिया ने फिर यूज़ की, हमारी कैपेबिलिटी हुई, अब वो कहते हैं दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। लेकिन अगर हम क्योटो में डालेंगे तो इट इज़ नॉट दैट मच लीगली बाइंडिंग, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ, दे एडेड इन टू अ मॉन्ट्रियल, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी दे। दिस इज अ पॉलिसी, अगर आपको ये सिनेरियो समझ आ गया ना फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू टिल नाउ, देन यू आर एबल टू राइट एनी आंसर फ्रॉम अ डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग पर्सपेक्टिव, क्लियर। सिमिलरली अब GM क्रॉप्स के इशू देखो, मोनोपोली, ठीक है, उनकी कंपनी की चल रही है, दैट दे आर एक्सपोर्टिंग, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स टू इंडिया एंड आस्क इंडिया टू बाय फ्रॉम अस रेदर देन योर ओन कैपेबिलिटी, ठीक है, क्लियर, आप समझ रहे।
सी अभी कार्सा कार्सा के बारे में सुना है आपने? कार्सा क्या है? काउंटर करना। इफ यू आर ट्रेडिंग विद रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो आपके ऊपर यूएस सैंक्शन लगाएगा। द यूएस हैव अ पावर टू पुट अ सैंक्शन। द रीजन इज दैट इट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन नेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक IMF में इसका स्कोप है, वर्ल्ड बैंक में है। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं लोन, सो दैट्स वाई इट हैव अ हायर वेटेज। तो वहाँ पे डिक्टेशन चलती है, ये तो इसलिए दैट्स वाई दे द डेवलपिंग कंट्री आर सेइंग दैट वी शुड रिफॉर्म अ UNSA, है ना। UNSA रिफॉर्म के बारे में सुना है आपने? मतलब कहीं तो अभी मेरे ख्याल से फ्रेश बैच के बच्चे होंगे ना। आई विल डिस्कस दैट, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा वो करो, लेकिन स्लोली स्लोली वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स विच आर इन न्यूज। चलो लिखो फिर इसका जल्दी जल्दी। देखो GM ब्रिंजर के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर मीटिंग BD ब्रिंजर, ठीक है। द फर्स्ट वन इज इन 2009 GEAC gave approval to BT Brinzer. GEAC gave approval to BT Brinzer. But protest against transgenic crop developed by Mahico, MAHYCO. It is Maharashtra hybrid company, जो seed company, ठीक है, Mahico ही लिख लो, MAHYCO. इन 2000 नीचे लिखो एरो डाल के, जैसे हम लिखते हैं ना पहले एरो नीचे ऐसे डाल के सेकंड पॉइंट लिखो। फ्लो में फ्लो चार्ट ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट, आपको इजी रहेगा। सेकंड इज इन 2010 GEAC asked Mahico टू डिपॉजिट ऑल सीड। ठीक है, बट नॉट अ सिंगल सीड वॉज डिपोजिटेड। क्लियर, आगे लिखो, डन। नेक्स्ट इज इन 2018-19 इन हरियाणा इलीगल कल्टीवेशन ऑफ BT ब्रिंजर, एंड इन महाराष्ट्र प्रोटेस्ट फॉर ग्रोइंग BT ब्रिंजर एंड HT BT कॉटन। HT BT जरूर साथ में, HT लिखना साथ में उसके, अदरवाइज दूसरी तो अलाउड है। HT BT कॉटन, ठीक है, ओके। नाउ आर्गुमेंट, क्योंकि आर्गुमेंट के आंसर नंबर मिलेंगे। GM सीड ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच आर लो कॉस्ट टेक एंड हाई यील्ड, ठीक है, लो कॉस्ट लो बेस्ट अटैक एंड हाई यील्ड अटैक एंड हाई यील्ड, ठीक है, ओके, ये पॉइंट समझ आ गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट इज BT कॉटन अलाउ
फूड एज नॉन फूड बट कॉटन सीड कंज्यूम्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री द नेक्स्ट वन इज कंट्रीज लाइक कैनेडा फ्रॉम विच वी इंपोर्ट कैनोडा ऑयल is a GM crop. आगे केस स्टडी ऑफ बांग्लादेश हेडिंग डालो केस स्टडी ऑफ बांग्लादेश सी इफ दे आस्क यू आर क्वेश्चन विच इज वी कैन से 10 मार्क्स या छोटा पूछा देन यू कैन राइट एज ए फॉर एग्जाम्पल इन बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपको कैसे पॉइंट कोड करना है इफ द क्वेश्चन इज अराउंड 200 मार्क्स ठीक है और उससे ज़्यादा 250 मार्क्स का क्वेश्चन है देन यू कैन पुट अ केस स्टडी ऑफ बांग्लादेश आप इंट्रो में भी यूज कर सकते हो इट डिपेंड अपॉन द वे यू राइट आंसर ठीक है बट आपको लिंक के जरूर इफ यू आर एबल टू लिंक द वन थिंग विद द अनदर देन इट इज वेरी इजी टू राइट आंसर ओके तो बांग्लादेश के ग्रुप बीटी प्रिंसर started in 2014 and now 17% of Brinjal is BT Brinjal in Bangladesh 17 ठीक है अब ये रेजिस्टेंस किसको देती है लिख लो बीटी ब्रिंजल प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट इज टॉक्सिक टू फ्रूट एंड शूट बोरर फ्रूट एंड शूट बोरर यहां पे लिख दो ठीक है वो किसको देता था बीटी कॉटन पिंक बोल वन यस बट दिस इज टू क्या लिखना ठीक है बट हार्मलेस टू अदर इंसेक्ट एंड ह्यूमन ठीक है रिपीट करो लास्ट में ओके नाउ बीटी ब्रिंजल प्रोड्यूस अ प्रोटीन That is toxic to fruit and shoot borer pest. ठीक है clear? But harmless to other insect and humans. अगर देखो इन बांग्लादेश ज्यादा देश तो नहीं लिखवा रहा हूँ आपकी क्लास है 5 o'clock किसी की 5 to 8 क्लास तो नहीं है ठीक है ओके क्या लिखा हमने इन बांग्लादेश पेस्टिसाइड कॉस्ट रिड्यूस्ड बाय 60% अब देखो इसको किससे लिंक करोगे सी व्हेन द फर्टिलाइजर इट डिपेंड अपॉन हाउ यू कैन लिंक व्हेन द फर्टिलाइजर कॉस्ट डिक्रीज राइट बिकॉज दे विल दे हैव टू स्प्रे लेस फर्टिलाइजर सो व्हेन दे सप्लाई लेस फर्टिलाइजर इट मींस दैट द फर्टिलाइजर इनटू अ सी विल डिक्रीज और उसे That zone कम हो सो यहाँ से एक हमें और लिंक मिल गया दैट इज लिंक ऑफ GM crops with the dead rates. तो ये आपको यू कैन मेंशन इन पेपर ठीक है आगे लिखो नेट रिटर्न पर हेक्टेयर इन बांग्लादेश इज 1.5 लाख इंडियन रुपीज In Bangladesh, 1.5 lakh
इंडियन रुपी, इंडियन रुपी करेंसी के हिसाब से, ठीक है, बट इन इंडिया, बट इन इंडिया 25,000 इंडियन रुपीज, ठीक है, फॉर नॉन बीटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो इन बांग्लादेश, वहाँ को ब्रैकेट में बीटी प्रिंसिपल कर देना, ठीक है, इट इज़ 1.5 लाख। तो यहाँ पर 25,000, तो 1,25,000 का हर साल नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, एक हेक्टेयर पर हेक्टेयर, दिस इज द वैल्यू, क्लियर। आगे एंटी आर्गुमेंट, अब टिल नाउ वी हैव डिस्कस दैट बीटी प्रिंसिपल इज गुड, है ना, और इंडिया शुड अलाउ जीएमओ आल्सो। नाउ एंटी आर्गुमेंट क्या है, सम ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट बीटी ब्रिंजल परफॉर्मेंस इन बांग्लादेश डिक्रीज। सी बीटी कॉटन की जो इंडिया में, इन बांग्लादेश डिक्रीज, ठीक है, बीटी कॉटन इन इंडिया इज देयर प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना, बट इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज नॉट एज दैट मच द प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग। नाउ वी शुड नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई इन इंडिया द प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग और it is not that much resistance to pink bollworm, hai na, right now as compared to countries like America and other. See, there was a report 2 year back which says that Punjab mein case hua BT cotton ka, theek hai, which says that Indian farmer do not have a knowledge to like about irrigation. See, if you are growing a BT cotton, you have to irrigate at a particular time, you have to spray at a particular time, you have to sow a crop at a particular time, and you have to reap that at a particular time. हर एक चीज़ का एक टाइम है। हमारे तो जब लाइट आ गई तो दे दो पानी, पहले भी है नहीं है पता नहीं, है ना, गांव में तो ऐसे ही होता है ना, वो रात को लाइट आती है, वो ऑन करके चला जाता है, सुबह आता है, तब तक तो वो या तो लाइट गई होती है या मोटर गई होती है, ठीक है, यही है प्रॉब्लम। तो वहाँ पर भी, सो दिस इज द रीज़न, इन डेवलप कंट्रीज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट वेयर वी शूड प्लांट दैट पर्टिकुलर बी टी कॉटन। हमारे साथ में यहाँ पर बी टी है, साथ में नॉन बी टी कॉटन भेजते हैं, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड इज लैक ऑफ नॉलेज टू फार्मर्स दैट वैन दे हैव टू इरीगेट। तो ये दो तीन इशू हैं जो हमारे डेवलप कंट्री से डिफरेंट है। दैट्स वाई इन इंडिया इन सम एरियाज द क्रॉप्स आर द प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग। पहले शुरू शुरू में तो बहुत सी प्रोडक्शन, ठीक है, आगे लिखो पॉइंट। अ रीसेंट रिपोर्ट सेज बीटी ब्रिंजल से इज अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एक तो हमने कर लिया दैट इन बांग्लादेश द नंबर इज डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, है ना। इन इंडिया अभी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली which says that BT brinjal is unsafe for human production. Okay, for example, इसमें लिखो cows. In cows, milk production and composition changed by 10-14%. इंक्रीज हो गया, ठीक है, चेंज्ड बाय और इंक्रीज बाय 10-14% व्हेन दे फीड अ बीटी ब्रिंजल फॉर 15 डेज। तो उन्होंने ये देखा कि दैट विद इन अ 15 डेज देयर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज। सो इट वाज जस्ट लाइक इफ दे वर ट्रीटेड विद हार्मोन, ठीक है, ठीक है, इट वॉज जस्ट लाइक इफ दे वर ट्रीटेड विद हार्मोन। अगर हार्मोन से आप ट्रीट करते हो, देयर प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज व्हेन दे फीड बीटी ब्रिंजल द प्रोडक्शन इज सिमिलर इन द सिमिलर वे इंक्रीज इन अ काउ।
So from that area, from that connection, we can generalize that. So we cannot say that. So we cannot say that there is. So we cannot say that there is no metabolic changes after PT consumption. ठीक है? Clear? एक पॉइंट और लिख लो इस रिपोर्ट के अंदर ही. BT Brinzer contain on an average 15% less kilo calories. ठीक है? इसके अंदर कैलोरीज भी कम है BT Brinzer के as compared to normal Brinzer. 15% less kilo calories KCL as compared to normal. Now the next one is. हाँ जी. तो अगर इस क्रॉप के अराउंड बाकी क्रॉप्स होंगे तो क्या वो उसे अफेक्ट नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल करेगा. और जो सॉइल लोग भी उसे भी अफेक्ट करेगा. बीटी ब्रिंजल कैसे सॉइल को कैसे करेगा? नहीं नहीं अदरवाइज नहीं. वो पॉलिनेशन के थ्रू दे कैन कंटेक्ट वहाँ से. अगर एक उसका सीड उस साइड पे गया एंड इट म्यूटेट. प्रॉब्लम इज अबाउट म्यूटेशन बट देयर इम्पैक्ट वी डोंट नो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस क्रॉप इन लॉन्ग टर्म. क्या जाना है? ठीक है मुझे वो उधर देख रहा है ना. ठीक है क्लियर समझ आया.